नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु जी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, तो आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा ये किसी भी स्टडी से रिलेटेड नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ हम जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं और आने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से, उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास मेरे काफ़ी एजेंट्स के फ़ोन आए और उन सब ने यही कहा कि सर, अब कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद हम हमारा इंश्योरेंस का मार्केट कैसे कवर करेंगे, कैसे हम कस्टमर से बात करेंगे, कैसे उनको हम कन्वेंस करेंगे। तो दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव तो कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, तो आपको इनसे घबराना नहीं है और अपनी सोच हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है। कभी आपको नेगेटिव सोच माइंड में नहीं लानी है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें आप। अगर आपने सिर्फ यही माना कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। चुनौतियों से डरना नहीं है, उनसे लड़ना है आपको। और हमने काफ़ी बार ये बात सुनी है, टफ सिचुएशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग पीपल, तो इस बात को अप्रूव करने का यही टाइम है। फ्रेंड्स, कोरोना से डरो ना। और रही बात मार्केट सिनेरियो की, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब से लोगों ने कोरोना वायरस के डेथ केसेस एंड पॉजिटिव केसेस के बारे में सुना है और सुनते आ रहे हैं, से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि अगर ये हमें हो गया तो हमारा क्या होगा, और हमारे पीछे जो हमारे डिपेंडेंट हैं, हमारी फैमिली, उनका क्या होगा। तो यही इनसिक्योरिटी के चलते उनमें थोड़ी एक अवेयरनेस भी आई है इंश्योरेंस के प्रति, कि अगर हमारा इस टाइम अगर इंश्योरेंस होता तो वह कितना फ़ायदेमंद होता, या फिर अगर हमारा अभी एट प्रेजेंट इंश्योरेंस है तो वह इतना कैपेबल नहीं है कि अगर उनका डेथ क्लेम आए तो फिर उनकी फैमिली अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए अगर जिनका इंश्योरेंस है तो उनके मन में एक बात यह भी है कि यह इंश्योरेंस थोड़ा ज़्यादा होना भी चाहिए था। इसलिए लोगों को अब इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस पता चलने लगी है, तो लोग आएंगे, उसका भी आप इंतज़ार करें। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पास मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के भी फ़ोन आए जिनको मैंने कभी इंश्योरेंस के लिए अप्रोच नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनकी तरफ से मना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इंश्योरेंस करने का बोला उनका। हाँ, माना कुछ लोग फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं होंगे, लेकिन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस बारे में बिल्कुल भी। अभी हमारी ज़िंदगी एंड नहीं हुई है, क्या पता ऐसे वायरस और ऐसी महामारी इन फ्यूचर और ना आ जाए, तो ये बात आपको सबको समझानी है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात आपको नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकालना है कि अब मार्केट टफ होगा, अब हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ऐसे थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लाने हैं और बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, और आप जितना हो सके इस टाइम सोशल मीडिया पर आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से टच में रहिए, और जितना हो सके LIC के प्लान्स की स्टेटस एंड पोस्ट अपडेट करिए। जो कोरोना वायरस के जो क्लेम सेटलमेंट LIC ने अभी तक किए हैं, उसकी भी आप जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों को ये पता चले कि वी आर नॉट क्लोज, वी आर स्टिल वर्किंग। और अगर आपको ये पोस्ट कहीं नहीं मिलते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इंश्योरेंस गुरुजी नाम से ही है, तो वहाँ आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे LIC से रिलेटेड। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूँगा, ये टाइम आपको प्रूव करने का है कि यस यू कैन डू इट, मुझे लगता है आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने एजेंट साथियों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।